देखिए रात के 11:15 बज गए, 5 मिनट रह रही 11:15 बजने में। अरे ये हाल देखो यहाँ, ये देखो कि हाल चल रहा है। मैं सो गया था, बबली ने मुझे उठाया गुस्से में, क्या लगा खुद तो सो रही है, इसे भी देख लो या खेल रही। रात के 11 बजे से खेलने का मौका मिला, रात के 11 बजे से नहीं बबली सोई नहीं अब तक, मतलब कि 7-8-9 बजे से जब सब बच्चे सो रहे इधर, ये सोई नहीं। जैसे तुम मम्मी थी वो फंस गई होगी। नहीं बल हनी, ये हनी सो जाओ सो बेटे, रात के जाओ, 11 बज रहे, चलिए तो मम्मा मीठे को भी, जाता सो रहा है। मम्मा को भी सोना, खेल लेना, अब सोने का टाइम है, खेलने का टाइम नहीं है, दिन को होता है खेलने का टाइम। ठीक नहीं तो है सो रहे हैं बराबर। बात कर लो कोई इससे, बस मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है, तो कोई बात ही करता रहो, क्या देख रही है बबली। मैं तो पैसों को तो खिला अपना, सुबह मिलूंगा मैं तो। हाँ चल वहां पर मरूंगा तेरे एक। हेलो जी, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो दिन आज बुधवार का है और सुबह के बज गए हैं 8:30। अभी मिक्की और मिष्टी को भेज दिया है स्कूल, और रात की कहानी मैंने आपको बताई थी, आपको दिखाई भी है। ये लड़की रात 4 बजे के आसपास सोई है, इसका वो भी बस थोड़ी सी देर। 4 बजे इसका उठने का टाइम होता है, पर रात तो यह 4 बजे सोई है। बबली ऐसे गोद में लेके बैठी रही और देखती रहे गौर से, बहुत ध्यान से। मैं तो थक हार के 11:30-12 बजे के आसपास सो गया था, मगर भाई मुझे तो आ गया नींद। अब देखिए मम्मी को परेशान करने में कितना मजा आता है इस लड़की का, आँख खोल के देखती रहे बस, आँख खोल के, अजीब आँख खोल के देखती है ना, तो मम्मी को भी नींद नहीं आती। नहीं रात तो ज्यादा रोई भी है, पता नहीं क्या हुआ, रात तो मेरा बेटा रोया भी है, गुस्से चिड़चिड़ी सी हो मार रही कर थी क्या बहुत ज्यादा। अब बबली करोगे ने ना इतना गुस्सा आया मुझे, जो सुबह के टाइम मुझे पता लगा ना, बबली ने इसके 2 थप्पड़ लगाए हैं, छोटे छोटे थप्पड़ लगाए हैं, ये वाले ए ये वाले मुझे सुबह बता रही है। तब ऐसा तेरे मुंह पे भी लगेगा, अबे वो बच्चा अभी रोएगा नहीं, वो क्या करेगा, तो नहीं ये तो मतलब ज्यादा जोर परेशान से भी नहीं तो नहीं करते। ऐसे कर दूंगी मैं, मगर कद्दूस होगी एक कद्दूस होगी मम्मी को सो और अभी जाना बस, नाश्ते ए में उसी चाय में बनाई थी इतना मैंने, रोना और शुरू कर रोटी थी दी। गरम करके, उन्हें रोटी को सेक के पराठे उनके बना के, सब्जी थी रात की वो भी गरम की थी, फ्राई की थी, और उसके बाद में बच्चों को दे के उन्हें भेज दिया स्कूल में। तो आ जाएंगे जल्दी, पेपर है उनका तो 11:30-11:30 बजे तक आ जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ बबली तू इसे लेके बैठ जाओ, आज भी थोड़ा बहुत काम है, फिर अभी आपका इससे मैं कर दूंगा अपना, खुद आके मुझे कोई बार बुला रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, रात हनी की जैसे कि आपको बताया है, हनी पूरी रात नहीं सोई, और असल में 1-2 घंटे के लिए बस थोड़ी सी देरी सोई थी, उसमें भी बीच में बार 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 उठती थी। तो दिन में भी ऐसे ही करा इसने, आधे दिन मतलब 12 बजे तक मैंने पता नहीं जैसे तैसे करके खाना बना लिया है, और आज मैंने कपड़े भी धो लिया, आज झाड़ू पोछा भी लगा दिया, आज बहुत सारा काम करा, और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पता है क्या हुआ, जब ये रोई जा रही तो मम्मी आई थी, मम्मी ने बोला कि क्यों रो रही है, मगर मम्मी पता नहीं पूरी रात से रो रही है, और आधा दिन अब हो गया ना तो सोई ना दूध पी रही। तो मम्मी कहने लगी एक बार इसे दिखा ले, क्या पता इसे ठंड का दर्द हो रहा हो। तो मैं और मिकी गए थे गाँव में ही, बच्चों का डॉक्टर है बहुत अच्छा है, उसे आराम लग जाता है, उसे सभी बच्चे दिखा देते हैं, तो उसके पास गए थे लेके, तो इसे बताया है ठंड का दर्द छाती में, ये छाती मतलब छाती में कह रहे थे, चेक करके बताया कि इसकी ना ठंड लग गई है और छाती में इसके दर्द हो रहा, उसके कारण ये इतनी रो रही। और रात मैंने गुस्से में से मतलब हाथ से गाल पे धीरे धीरे ऐसे कर दिया, मगर पूरी रात होगी बेटा सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही। पर क्या है बता नहीं सकता ना बच्चा क्या हो रहा, कहाँ दर्द हो रहा। तो बस अब इसे मैंने दवाई दी है, दवाई दी उन्होंने दवाई दी थी है कि इसे ये दे देना, और कल एक बार और दिखा देना।
तो अभी मैंने इसे दवाई दे के, देखिए गोद में लेट रही, अभी बस चुप है थोड़ी देर के लिए। अब सोच रही इसे सुहा दूं, सुहाने के बाद में मेरे जो कपड़े पड़े हैं फलाने धूप में, मैं फैला दूंगी। और बच्चों ने तो खाना खा लिया, मैंने खाने में बनाई आलू गाजर, ये भी खा के चले गए। इन्हें तो पता भी नहीं कि हनी की तबीयत कैसी हो रही है, मैं दिखा के लाई नहीं लाई, क्योंकि ये तो चले गए थे, मम्मी ने बताया, मैं जब ही तो लेके गई मिक्की को अपने साथ में। तो अब जब मैंने फ़ोन करके भी उन्हें बताया नहीं, आएंगे जब बता दूंगी, क्योंकि जब बाहर चल जाते हैं ना ऐसा, जो घर में जो कुछ मतलब ऐसी टेंशन वाली बात होती है तो वो मैं बताती नहीं, क्योंकि बाहर जा रही है वो, उन्हें भी और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, काम में भी मन नहीं लगेगा। तो अभी बस आराम कर रही, दवाई दे दी है, सोच रही हूँ सो जा, है ना बेटा। हनी ये बेटा क्या होगा, दर्द हो रहा, दर्द बता भी नहीं सकती। अब मैं सोची पता नहीं आज क्यों नहीं सो रही, पूरी रात नहीं सो जाती थी, दो चार घंटे लिए तो, दो चार घंटे को तो सो जाती थी, आज पूरी रात ही होगी सी, पूरी रात होगी सो ही नहीं, बराबर उठती रही बार 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 बार। और मन में मेरे बिल्कुल भी ये नहीं था कि इसे ठंड का दर्द हो रहा होगा, मैं कहा चलो कोई नहीं आज सो नहीं रही, दिन में सो जाएगी कल। पर जब आज भी दिन में नहीं सोई गया तो जब टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि रात में सोई दिन में नहीं सोई, बच्चों ने बाहर हल्ला मचा रखा है बहुत ज़्यादा, इसी बीच में पता नहीं क्यों नहीं ऐसे भी नहीं सो रही। मैंने इसे दूध भी पिला दिया और दवाई भी दे दी, पर अभी भी सोने का नाम नहीं है, सोने का नाम नहीं है। मैं सोच रही धूप में लेके बैठ जाऊंगी, घर चली जाऊंगी लेके, मम्मी को खाना भी खाना अभी, पता नहीं ना, उन्होंने तो ऐसे ही छाती पे हाथ रखा और तुरंत बता दिया कि इसकी छाती में दर्द है। कौन आया? इसके बाबा जी आए।